नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आत्मानंद स्कूल कुआकोंडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान दिवस 26 नवंबर दिन शुक्रवार को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों के साथ संविधान दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्प अर्पित कर एवं संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर इस महत्वपूर्ण दिवस को सुसज्जित ढंग से मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया था, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हालांकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 अलग अलग रियासतों के प्रतिनिधि थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान सभा में कई लोगों ने अपने विचार रखे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के मंथन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से अशोक सोरी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।